आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स M05 MA इंग्लिश। देखिए इस वीडियो में हम लोग MA इंग्लिश का जो एंट्रेंस का रिजल्ट आ चुका है उसका हम लोग इसमें कटअप्स देखेंगे और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनकी एप्लीकेशन आई डी एनरोल नंबर देखेंगे। देखिए पहले तो ये बता दूँ जिनका इंग्लिश में एडमिशन होगा मतलब जिनका लिस्ट में नाम है उनको 16 से लेकर 17 अगस्त के बीच में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में जाकर उनको एडमिशन लेना जो कि गेट नंबर 8 पर है और ये सारे डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर्ड है। ये जो पूरी लिस्ट बनी पड़ी यहाँ से लेकर नीचे तक है ये सब आप अच्छे तरह से अपना पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ लेंगे और जो भी चीज़ रिक्वायर्ड को अपना टाइम से पहले पूरा करके वहाँ लेके जाइए वरना वहाँ पर जब तक ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होगी आपका एडमिशन का प्रोसेस पूरा नहीं होगा। मतलब आपको फीस स्लिप वो जब भी देंगे जब सारी फॉर्मेलिटी आपकी पूरी हो जाएगी तब और फीस स्लिप के बाद फीस जमा करने के बाद आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। आइए एमए इंग्लिश में देखिए जनरल के लिए कटअप गया था 67.25, मुस्लिम के लिए 60.75, मुस्लिम ओबीसी एसटी 55.75, मुस्लिम वुमेन 58.25 और जेके 60.75, केएम 40.25। ये आपका कटअप्स है एमए इंग्लिश का। अब जो स्टूडेंट एमए इंग्लिश ऑनर्स में सिलेक्टेड है उनकी एप्लीकेशन आईडी एनरोल नंबर ये मुस्लिम वुमेन से 4 सिलेक्ट हुई हैं, जेके से 2 सिलेक्ट हुई हैं, ठीक है, केएम से भी 2 सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद आपकी आ जाएगी वेटिंग लिस्ट। तो आप लोग पीडीएफ देख लीजिए, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं होगा तो आप लोग मिशन जामियन टेलीग्राम चैनल है मिशन जामियन नाम से वहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं मिशन जामियन टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे आपको सभी कोर्सों का पीडीएफ मिल जाएगा जितने भी साल के आए हैं और कुछ पिछले भी रखे हुए हैं वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आपको जामिया एडमिशन से रिलेटेड या फिर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और जामिया से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।